Dini, you shut up and behave properly. मुझे मत सिखा what to do. तू ऐसे कछु खिलने के गाने बना जो सलमान और शाहरुख टाइप के हो, ये फकीर और ये भिखमंगे के गाने मत सुना यार. बाबा पर जीते जी कौन मरना चाहता है? कोई नहीं, पर अगर मरना लिखा होता है तो उसे मरना पड़ता ही है. आप चाहे हरिश्चंद्र बनते हो लेकिन ये गिरी हुई हरकत है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ती. वैसे भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. Yes? जी, केतकी यहीं पर रहती है. हाँ, यहीं रहती है. आप उसके फादर हैं क्या? नो 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 नो, वो हमारी भतीजी है. लेकिन आप? जी, मेरा नाम रितु है. रितु, मैं आपको... आप मुझे नहीं जानते, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? Oh, yes, why not? Please, आइए 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 आइए, please. आइए. बैठिए. थैंक यू. कहिए, बताइए, चाय पियेंगे आप? नहीं, थैंक यू. बोलिए. जी, आई एम सॉरी, पर मैं आपके पास मजबूरी में आई हूँ. मजबूरी? जी, आपकी भतीजी केतकी मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है. क्यों, क्या किया उसने? जी, मेरे हस्बैंड का नाम सोमेश है. ही इज अ फिल्म डायरेक्टर. केतकी और उनके रिलेशन की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी टूटने के कगार पर आ गई है. ये क्या कह रही हैं आप? जी, मैं सच कह रही हूँ. केतकी की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि मुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा है. आपको कुछ गलतफहमी हो गई. केतकी तो यहाँ कुछ दिन पहले ही रहने को आई है और उसका फिल्मों से कुछ भी लेना देना नहीं. वो तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है. आई नो एवरीथिंग सर. अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी भतीजी को बुलाइए, पर आप उससे पूछिए कि वो मेरे हस्बैंड से क्यों मिलती है. अर्चना, अर्चना आई. मुझे लगता है आप मेरी वाइफ से इस बारे में बात कीजिए, हो सकता है वो इस बारे में कुछ. जी अर्चना, ये रितु है और ये कह रही है कि इनके हस्बैंड का और केतकी का कुछ. जी कहिए. जी, आप तो मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानती होंगी ना. मैंने कॉल भी किया था केतकी को. और आप किस बारे में? सोमेश और केतकी के बारे में. मैं सोमेश की वाइफ हूं. अच्छा, तुम जानती हो इनको या इनके हस्बैंड? जानती नहीं हूं, हाँ नाम सुना है. सुना आपने? इन्हें पता है? नहीं नहीं, देखिए, असल में जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है. हाँ, केतकी और सुमेश एक दूसरे को जानते हैं, पर उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है. नहीं है? अगर ऐसा है तो आप अपनी भतीजी को बाहर बुलाइए, मैं उसके मुंह से ये बात सुनना चाहती हूँ. केतकी, वो तो घर पे नहीं है. अगर वो होगी भी तो आप मुझे क्यों बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, अगर केतकी से कोई भी नादानी हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ. मैं यहाँ माफी मंगवाने नहीं आई हूँ. मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपकी भतीजी केतकी मेरे हस्बैंड से दूर रहे. I assure you for this. आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. This is my promise. आप किसी की जिंदगी के बारे में अश्योरेंस कैसे दे सकती हैं?
कैसे रोकेंगे आप उसे? वो मेरा लुकआउट है। देखिए, अगर आइंदा से आपको कोई भी शिकायत का मौका मिलेगा तो मैं उसे उसके माँ बाप के पास मेरठ भेज दूंगी। आफ्टर ऑल, हम दोनों उसके लोकल गार्जियंस हैं। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर इसके आगे मामला बिगड़ा तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अपने पति के खिलाफ भी और आपकी भतीजी केतकी के खिलाफ भी। And I mean it. तुमने कहा लस्सी का गिलास लेके आओ, मैं लेके आ गया। तुम हमेशा मुझे मारती क्यों रहती हो? अर्चू, मैंने तुम्हें पॉपकॉर्न खरीद के दिए थे ताकि तुम फिल्म देखते देखते खाओ, लेकिन तुम्हें तो रोने से फुर्सत नहीं मिल रही। अरे फिल्म खत्म हो गई है ना, तुम्हारा पॉपकॉर्न खत्म हुआ है ना तुम्हारा रोना। मैं तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव नहीं हूं। क्यों डार्लिंग, फिल्म फिल्म होती है। अरे यहां देखो, तुम्हारा हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है। लुक एट मी, सी हाउ गुड आई एम लुकिंग। अरे यार लो। देखिए, आप बिना बात ही इतना रिएक्ट कर रहे हैं। बिना बात अभी कॉलेज जाना शुरू नहीं हुआ है कि बाहर की हवा लग गई। कोई हवा नहीं लगी है उसे। अर्चना मुझे मत समझाओ, मैं 20 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ये घर से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए और इनकी क्लास शुरू होती है थिएटर में, रेस्टोरेंट में, चौपाटी पर। कुछ भी कहे जा रहे हैं आप, जाकर अटेंडेंस चेक कर लीजिए। फुल अटेंडेंस है केतकी की, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कहीं नहीं जाती वो। तो फिर कॉलेज में वो फिल्म डायरेक्टर मिल गया होगा और वहीं शुरू हुआ है सारा तमाशा, नहीं? आप बात सुनते तो नहीं और बस बोले जा रहे हैं। वो फिल्म डायरेक्टर उसे किसी डांडिया फंक्शन में मिला था, कॉलेज का डांडिया फंक्शन था वहां पर। और बस, आप तो जानते हैं इन फिल्म वालों को, डिसेंट लड़की देखी और नंबर मांग लिया और सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गई। तो फिर क्यों दिया इसने उसको नंबर अपना? हद है, कोई चीफ गेस्ट अगर किसी से किसी का नंबर मांगेगा तो वो मना कर देगा। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, आपको विश्वास करना है तो मान लीजिए, वरना मत मानिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकती। Thank you.
सॉरी, तुम्हारी नींद खराब कर दी। इट्स ओके, तुम्हारा घर है भाई, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। ठीक कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं इस घर में रहूं या नहीं रहूं? मुझे किस बात का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तुम्हें से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर होता तो तुम ये घर छोड़ के नहीं जाती। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना? अच्छा, अगली बार मैं भी तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ के जाऊंगा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो पूछूंगा तुमसे बुरा लगा या नहीं। अगर इतना ही बुरा लगा तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें मैंने फोन किया था, लेकिन तुम्हारी आर्गुमेंट्स तुम्हें तो पता ही है ना। क्या कहा था तुमने? अपने फैसले जब खुद कर लेती हो तो मुझे लगा जब अपने आप घर का ख्याल आएगा तो आ जाओगी वापस। मैं तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता, आफ्टर ऑल इट इज योर लाइफ। मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आई। अगर मेरा बात करना बहस लगता है तो जाओ, मैं वो भी नहीं करता। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है बात करने की? तुम्हारे पास तो 10 लोग हैं बात करने के लिए। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो और मुझे सुनाती रहो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हें बहस ही लगेगी। मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई हूँ बच्चों को लेकर कि तुमसे पूछ लूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मुझ में कोई चेंज नहीं आया, चेंज तुम हुई हो। वजह भी जानते हो उस चेंज के? वजह वो नहीं होती है जो खुद को लग जाए। नतीजे पहुंचने से पहले वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश की थी मैंने, लेकिन जो कुछ भी जाना है उसकी तो वजह थी ना। सोर्स भी तो सही होना चाहिए ना। अगर खतरी जैसा आदमी किसी खबर का जरिया बनेगा तो यही होगा जो हमारे बीच में हो रहा है। तुम फाइनली चाहते क्या हो? तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा जाने के लिए। तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं चाहिए था। तुम्हें विश्वास दिलाना होगा। विश्वास? ऋतु, विश्वास दोनों तरफ से होता है। तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर साथ रहना है तो इस तरह शक करना बंद करना पड़ेगा, वरना साथ रह के भी हमेशा परेशान रहेंगे। तुम शक करने का मौका मत देना। बचपना छोड़ो रितु, वी आर नॉट इन टीन्स नाउ। अभी करियर बनाना है, कुछ करना है। फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तुम भी मैच्योर हो जाओ प्लीज। प्लीज चल सकते हो मेरे साथ। कहाँ? बच्चों को लेने। मैं 2 मिनट में आया। काम करना, जितने भी कपल आते हैं सबकी फोटो क्लिक करके मुझे दे देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि आदमी की उम्र ज्यादा और औरत की उम्र कम। अर्चना? हाँ? कहीं बाहर जाने की तैयारी? हाँ, मैं क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। क्लासेस? हाँ, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स का कोर्स है, बस वही ज्वाइन कर रही हूँ। ये अचानक क्या सूझी तुम्हें?
अचानक नहीं, बहुत दिनों से सोच रही थी। लेकिन मुझे तो कभी नहीं कहा तुमने। जितना वक्त आजकल हम लोगों को बात करने का मिलता है उसमें बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तंज तो हर वक्त किया जा सकता है, लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने का कारण क्या है? कारण तो आप भी जानते ही हैं। घर पे बैठे बैठे वैसे भी तो बेकार ही हो रही थी मैं। बाहर निकलूंगी तो एटलीस्ट अपने आप को अपडेट तो करूंगी। उसके लिए यही कोर्स क्यों? कोई सिंपल सा वोकेशनल कोर्स भी कर सकती थी। आज की डेट में सिंपल वोकेशनल कोर्स से जॉब कहाँ मिलती है? क्या तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, करनी पड़ गई तो। लेकिन क्यों करनी पड़ेगी? कल को अगर आपकी जॉब को कुछ हो जाए तो। मेरी जॉब को कुछ हो जाए? हाँ, हालात कुछ भी हो सकते हैं। प्लीज अर्चना। हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें कमाकर खिला सकता हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन अगर इस घर के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कुछ नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। ओके, एज यू विश। चलो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? नहीं थैंक्स, मैं वैसे भी ऑपोजिट साइड जा रही हूँ, मलाड की तरफ। बाय बाय। सुन। जी बोलिए। मैनेजर क्या तेरा? सर मैनेजर तो बाहर गए हुए हैं, उनके एब्सेंस में मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। बोलिए। क्या नाम है तेरा? सर कैलाश। सर आप कौन? मैं आकाश, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या हुआ सर? वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में कपल आता है, उसकी फोटो क्लिक करके देनी है मुझे। हाँ इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम, बट कौन है, किया क्या उन्होंने? देखिए ये तो सीक्रेट है, मैं आपको बता नहीं सकता। पर सर मैं उनकी फोटो लूं कैसे? कैमरा? मोबाइल है? जी। क्लिक करके दे देना उसे। ओके। हाँ एक बात का ध्यान रखना कि आदमी की उम्र ज्यादा और औरत की उम्र कम होनी चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं सर आप? सर ऐसे कॉम्बिनेशन के तो बहुत सारे कपल आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। बात तो ये भी सही है, एक काम करना, जितने भी कपल आते हैं सबकी फोटो क्लिक करके मुझे दे देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि आदमी की उम्र ज्यादा और औरत की उम्र कम। करेक्ट। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सर कुछ चाय कॉफी? नहीं 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 वो बाद में। तुम एक काम करना, फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? अरे हाँ तुम सेंड करोगे कहाँ? एक काम करो, तुम मोबाइल नंबर नोट करो। यस। 9769796262। समझ गए? आदमी की उम्र ज्यादा और औरत की उम्र कम। करेक्ट। कुछ भी नहीं किया जो आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा हूं, तुम जो चाहो करो, कहीं पर भी आकर तमाशा करो, किसी के सामने कुछ भी बोलो, सब ठीक है। मेरे जगह पे दूसरी कोई भी वाइफ होती ना तो ऐसे ही रिएक्ट करती। गुड गुड रिएक्शन। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगा? आपका जो भी कुछ चल रहा है ना मुझे सब समझ में आ रहा है। सिर्फ तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा तेज चल रहा है। बराबर है, अभी तो आपको मुझ में कमियां दिखाई देगी, है ना? तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, यू नीड अ मेडिकल हेल्प। मुझे किससे क्या हेल्प चाहिए मुझे पता है, इतना दिमाग है मुझ में। तो उसको सही जगह लगाओ ना। आप एक बात याद रखना,
सच क्या है मैं पता लगा के ही रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल पता लगाओ। तुम एक काम करो, एक डिटेक्टिव हायर करो और उसे आस्था के पीछे लगवा दो, वो तुम्हें सब सच बता देगा। जरूरत पड़ी ना तो ये भी करूंगी। मैं ना तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। जरूरत भी नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, लेकिन लेकिन सारे अधिकार मेरे पास नहीं है। हेलो। हाँ मैम बोलिए। जय जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए मैम। जय जी, कल मेरे पास ना किसी डिटेक्टिव का फोन आया था और वो कह रहा था कि मेरे हस्बैंड का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। आप मुझे पता करके बताइए कि ये डिटेक्टिव कौन है और ये बात सही है या नहीं। मैम आपके पास उस डिटेक्टिव का नंबर है? हाँ है। ठीक है मैम, आप उसका नंबर मुझे SMS कर दीजिए और बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उस बात की पूरी डिटेल निकाल कर आपको फोन करता हूँ। जी जरूर, मैं वेट करूंगी। ओके मैम। ये अक्कू ने क्या शुरू कर दिया, वो भी मुझे भी ना बताए। देखिए चार्जेस बहुत सीरियस है और RTI होने की वजह से हमें हर चीज को पिन पॉइंट करना पड़ेगा। वेरी ट्रू सर। प्रोफेसर जोशी, एनी क्लेरिफिकेशन? सर ऑफ कोर्स मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, लेकिन लेकिन सारे अधिकार मेरे पास नहीं है। What do you mean? सर मुझे हायर अथॉरिटीज और इन्फ्लुएंशियल लोगों के प्रेशर के सामने झुकना पड़ता है। For example? सर आप भी समझते हैं, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर डलवाया जाता है एडमिशंस के लिए। देखिए अगर ऐसा है तो आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए थी। सर मैंने बात की थी। किससे? ये जो हैं हमारे डीन। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर जोशी, इट्स वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर्स। देखिए इस बारे में प्रोफेसर जोशी ने मेरे साथ कभी कोई जिक्र नहीं किया है। 4 दिन हुए नहीं काम करते हुए और धोखाधड़ी चालू। हाँ ये जो जयश्री है ना, इस जयश्री के बारे में मुझे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। जय जी, मेरे काम का क्या हुआ, मतलब कुछ पता लगा आपको मेरे हस्बैंड के बारे में? अब वही तो बताने आए हैं मैम, पता भी लग गया है और सबूत भी मिल गया है। हाँ